हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से अपने न्यू सेशन स्टार्ट करेंगे। आज के सेशन में अपने बात करने वाले सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 मैथ्स चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। सो इसके पहले मैंने यही चैप्टर का और एक सेशन लिया था, जो आपने नहीं देखा तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई है, वहाँ पर जाके आप चेक कर सकते हो कि किस तरह ये सम सॉल्व होते हैं। सो इसके बाद अपने आगे स्टार्ट करेंगे। 6 तक मैंने फिनिश किया था, क्वेश्चन नंबर 7 से अपने स्टार्ट करेंगे। सो क्वेश्चन रीड करो। सबसे पहले इफ कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, इवेल्यूट करना है 1 + sin थीटा, 1 - sin थीटा एंड 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा एंड सेकंड पे कॉट स्क्वायर थीटा, ये दो वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। सो लेट्स स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले एग्जांपल नंबर 7 की बात करेंगे। सो सबसे पहले मैं ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ। ओके, सो ये ट्राइंगल से मैंने आपको बस फर्स्ट सेशन में बताया था कि भाई ट्राइंगल सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के लिए चैप्टर यूज़ होगा और किसी के लिए नहीं। सो अगर मैं इसको थीटा मेज़र करता हूँ, करेक्ट, ये एंगल्स को अपने क्या करते हैं, थीटा मेज़र करते हैं ये एंगल को, करेक्ट। सो क्या बनेगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए बी एंड देन सी। ओके, सो लेट्स, सो कॉट थीटा का मतलब क्या होता है, आपको दिया गया है कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, बट कॉट थीटा का मीनिंग क्या है, कॉट थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन ओपोजिट। ओके, सो बीसी अपॉन एबी, सो बीसी अपॉन एबी की वैल्यू कितनी मिली आपको, 7/8 की वैल्यू मिली। चलो यहां तक का क्लियर हुआ, मतलब कॉट थीटा बीसी इज इक्वल टू 7 और ये 8। देन एसी फाइंड आउट करना है। सो अपने यूज करेंगे पाइथागोरस इक्वेशन, बाय पाइथागोरस से अपने करेंगे, करेक्ट, पाइथागोरस इक्वेशन से अपने स्टार्ट करेंगे। सो दैट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। देन ए बी की वैल्यू कितनी है, 8 का स्क्वायर, बी सी 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, 8 का 64, 7 का 49 इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, देन ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 113। देन ए सी इज इक्वल टू क्या मिला आपको, √113, करेक्ट। सो यहाँ पे आपको वैल्यू मिली √113, यहाँ पे ऐड कर दो। अभी आपको क्या फाइंड आउट करना है, साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू। सो लेट्स स्टार्ट करेंगे साइन थीटा। साइन थीटा का मतलब क्या है, ओपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। ओके, सो दैट ओपोजिट कितना है, ए बी अपॉन ए सी। लेट्स ए बी की वैल्यू कितनी दी गई आपको, 8 √113 एंड देन कॉस थीटा इज इक्वल टू, कॉस थीटा की वैल्यू किस तरह फाइंड होगी, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। सो एडजेसेंट क्या है, बी सी अपॉन ए सी। सो लेट 7 √113 आपको भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ध्यान रखते जाना, 1 + sin थीटा इंटू, ये मुझे दिया हुआ था क्वेश्चन, 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। सो इस टाइप का मुझे दिया गया। सो आपको पता है यार ये फॉर्मूला कौन सी है, ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो 1 - sin² थीटा आ जाएगा। सेम प्रोसीजर नीचे आएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैंने यहाँ पे ए स्क्वायर का ए स्क्वायर ही लिखा है, क्यों, क्योंकि 1 की वैल्यू क्या मिलती है, 1 का 1, इसलिए 1 का स्क्वायर करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सो 1 - sin थीटा की वैल्यू 8 √113 का होल स्क्वायर अपॉन 1 - cos थीटा की वैल्यू 7 √113 बट का ऑल स्क्वायर। सो 1 का 1 - 8 का 64 √113 कैसे आया, कि रूट निकल जाएगा ना, 1 - 49 √113। क्लियर यहाँ तक का, एलसीएम ले लो, एलसीएम यहाँ पे चला जाएगा, 113 - 64 √113 - 49 इस तरह आएगा, 113 - 64 √113 डिवाइडेड बाय 113 - 49 √113। 113 क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका कट हो जाएगा। सो लेट्स आगे करेंगे। सो आगे क्या बचेगा, सो यहाँ पे आएगा 113 - 64 √113 - 49। सो 113 - 69 तो क्या आएगा आपके पास, 49 अपॉन यहाँ पे 113 - 49 कितना मिलेगा आपको, 64। क्लियर यहाँ तक का। चलो इसके बाद और एक क्वेश्चन आपको फाइंड आउट करना, इसके अंदर ही कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू,
किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कॉट स्क्वायर थीटा, करेक्ट। तो देन कॉट थीटा की वैल्यू आपको पता है कितना है, 7/8 गिवन है, सो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 7/8 का ऑल स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, देन फिनिश दिस सम, ओके। देन नेक्स्ट सम स्टार्ट करेंगे न्यू पेज पे, एग्जाम्पल नंबर 8, फर्स्ट रीड कर लेते क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। इफ 3 cot a इज इक्वल टू 4, चेक वेदर 1 - tan² a / 1 + tan² a इज इक्वल टू cos² a - sin² a और नॉट, या सेम है या नहीं है, ये आपको उनको बताना है। सो लेट्स स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले लिख देते क्वेश्चन, क्या दिया गया है, 3 cot a इज इक्वल टू 4, करेक्ट। सो लेट्स अपने क्या करेंगे, सबसे पहले ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे यहाँ पे इस टाइप का, ओके। यहाँ पे एंगल नहीं, राइट एंगल, ये तो आपको पता है कि राइट एंगल से सम सॉल्व होगा, कॉट ए इन्होंने बोला है, तो मैं इसको ए मेजर करता हूँ, ये आ जाएगा आपका सी। देन यहाँ पे अपने क्या करेंगे, कॉट ए इज इक्वल टू 4/3, बट कॉट की वैल्यू क्या आती है, एडजेसेंट अपॉन ओपोजिट, तो एडजेसेंट क्या है, ए बी अपॉन बी सी, करेक्ट। देन ये 4 और ये आपको मिल जाएगा 3, बी राइट एंगल है, सो अपने क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे यूज करेंगे, राइट, पाइथागोरस थ्योरम से अपने सम सॉल्व करेंगे। चलो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, देन 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, 3² 9, 4² 16 इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 एंड देन ए सी इज इक्वल टू 5, करेक्ट। यहाँ तक का क्लियर हुआ, ए सी इज इक्वल टू क्या मिला, 5। आपको फाइंड आउट करना है साइन ए कॉस ए और टेन ए की वैल्यू, चलो अपने फाइंड करेंगे साइन ए की वैल्यू, साइन ए इज इक्वल टू यहाँ पे लिख दो पहले 5, साइन ए इज इक्वल टू ओपोजिट अपॉन एडजेसेंट, मीन्स बी सी अपॉन ए सी, बी सी की वैल्यू 3, ए सी की वैल्यू 5, करेक्ट। फिर फाइंड आउट करेंगे कॉस ए की वैल्यू, कॉस ए का मतलब एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, देन बी सी अपॉन ए सी इज इक्वल टू 4/5 एंड देन नेक्स्ट अपने फाइंड आउट करेंगे टेन ए की वैल्यू, टेन ए इज इक्वल टू ओपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो ओपोजिट कितना है, बी सी अपॉन ए बी, करेक्ट। बी सी की वैल्यू कितनी है, 3/4, क्लियर। चलो यहाँ तक का, ओके। सो आपको क्वेश्चन क्या दिया गया है कि 1 - tan² a / 1 + tan² a की वैल्यू अपने फाइंड आउट करेंगे, सो यहाँ पे लिख देते LHS 1 - tan² a / 1 + tan² a, ओके। 1 का 1 डायरेक्टली यहाँ पे अपने करेंगे 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 + 3/4 का होल स्क्वायर, 1 का 1 3 का 9/16, नीचे वही आएगा 1 + 9/16, क्लियर। सो 16 सामने चला जाएगा, सो 16 - 9/16 और 16 + 9/16, 16 16 कट, 16 - 9 कितना आएगा, 16 - 9 करोगे तो कितना मिलेगा आपको, 7, और ये 16 + 9 = 25, तो 7/25 वैल्यू आपको मिलेगी। देन नेक्स्ट अपने आर एच एस सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आर एच एस क्या दिया गया आपको, cos² a - sin² a, आपने दोनों वैल्यू ऑलरेडी फाइंड आउट करके रखी है, कॉस की वैल्यू 4/5 का होल स्क्वायर माइनस 3/5 का होल स्क्वायर, बस आपको वैल्यू फाइंड करके सी वैल्यू रखना है और इजीली आप सम सॉल्व कर सकते हो, 4 का स्क्वायर 16/25 - 9/25, देन 16 - 9/25, 16 - 9 कितना आएगा, 7/25, देन LHS और RHS दोनों की वैल्यू क्या मिल रही है, सेम मिल रही है, सो दैट्स इस LHS इज इक्वल टू RHS, सो अपने क्या लिखेंगे, इज ट्रू, क्योंकि ये जो वैल्यू आपको दी गई है ना वो सेम है, करेक्ट। देन नेक्स्ट हम की बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 9 की।
एग्जाम्पल नंबर 9 की बात करेंगे, पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। इन अ ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल इज अ बी, बी आपका गिवन है राइट एंगल। इफ़ टेन ए इज इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए और साइन सी की वैल्यू। ऐसे दो वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। सो लेट सबसे पहले जो दिया है वो लिख देते हैं। पहले ट्राइंगल ए बी सी ड्रॉ करेंगे, उसमें बी राइट एंगल बता देंगे। चलो एग्जाम्पल नंबर 9। सो ये ट्राइंगल रहा आपका, करेक्ट। सो यहाँ पर राइट एंगल ये बी मिल गया, देन ए और ये सी, और एक चीज़ आपको गिवन थी tan a इज इक्वल टू 1/√3। ओके tan a की वैल्यू कितनी थी 1/√3, बट tan a इज इक्वल टू ओपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो bc अपॉन ab। सो ये कितना मिलेगा 1 और ab कितना आ जाएगा √3। ओके देन आपको अभी क्या करना है कि ac की वैल्यू फाइंड आउट करनी, क्यों? क्योंकि sin a में आता है, cos c में आएगा, करेक्ट। सो अपने क्या करेंगे, पाइथागोरस इक्वेशन यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम थ्रू अपने क्या करेंगे, इक्वेशन एसी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देन ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ए बी इज इक्वल टू √3 का होल स्क्वायर, ए सी इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर और ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। √3 स्क्वायर 3, 1 स्क्वायर 1 इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। देन 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4, देन ए सी इज इक्वल टू 2, करेक्ट। ए सी की वैल्यू क्या मिली आपको 2। अभी अपने क्या फाइंड आउट करेंगे, साइन ए की वैल्यू। साइन ए इज इक्वल टू ओपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, मीन बी सी अपॉन ए सी। देन बी सी कितना है 1/2। उसके बाद फाइंड आउट करेंगे कॉस ए की वैल्यू, देन कॉस ए की वैल्यू क्या आएगी, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, करेक्ट। एडजेसेंट कितना है ए बी अपॉन ए सी, देन √3/2, करेक्ट। उसके बाद साइन ए हो गया, कॉस सी हो गया। अभी बात करेंगे साइन सी की वैल्यू। साइन सी इज इक्वल टू साइन सी, ये ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। सो ऑपोजिट कितना है ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी। देन ए बी की वैल्यू कितनी दी गई आपको √3/2। लास्ट वैल्यू बाकी रही कॉस सी की वैल्यू। ओके सो कॉस सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कॉस सी क्या है कि भाई एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, तो एडजेसेंट कितना है बी सी अपॉन ए सी। देन बी सी की वैल्यू कितनी दी गई है 1/2 जितनी, करेक्ट। अभी अपने वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, करेक्ट। तो चलो लिखो साइन ए की वैल्यू। साइन ए की वैल्यू ये रहा 1/2 इंटू कॉस सी की वैल्यू, कॉस सी ऑल्सो 1/2 प्लस कॉस ए की वैल्यू √3/2 मल्टीप्लाई साइन सी की वैल्यू √3/2। 1/2 1/4 √3 3/4। सो डिनोमिनेटर सेम होगा तो न्यूमिनेटर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो 3+1 4/4, तो आंसर क्या मिलेगा आपको 1। ओके देन नेक्स्ट इसी तरह सेकंड सम की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड इसमें दिया गया है कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। लिखो कॉस ए की वैल्यू √3/2 इंटू कॉस सी की वैल्यू 1/2 माइनस साइन ए की वैल्यू 1/2 और साइन सी की वैल्यू √3/2। आप देख लो सब जगह पे वैल्यू क्या है, सेम है √3/4 माइनस √3/4, तो दोनों कट हो जाएगा, आंसर क्या मिलेगा आपको 0। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करेंगे। ओके एग्जांपल नंबर 10, सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन रीड करेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल क्यू, क्यू क्या राइट एंगल दिया गया है, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। आपको डिटरमाइन करना है, मतलब फाइंड आउट करना है वैल्यू साइन पी कॉस पी टेन पी की। ओके तो सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे और उसमें वैल्यू ऐड करेंगे कि क्यू आपका राइट एंगल है। चलो ये रहा आपका राइट एंगल ट्राइंगल, क्यू क्या है आपका राइट एंगल है, देन ये वाला पी हो जाएगा और ये टोटल हो जाएगा आर। ओके एक वैल्यू आपको दी गई है पी क्यू इज इक्वल टू
5 सेंटीमीटर. सो लिख दो पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. एंड देन नेक्स्ट पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, करेक्ट. चलो ये वैल्यू, इतनी वैल्यू आपको गिवन है. सो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहाँ पे पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 है. यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पी आर को सब्जेक्ट बना दूंगा. सो 25 माइनस क्यू आर बनेगा, ओके 25 माइनस क्यू आर. राइट एंगल ट्राइंगल है, क्यू आपका राइट एंगल 90 डिग्री बन रहा है. सो पाइथागोरस इक्वेशन यूज करेंगे, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर. ओके पी क्यू कितना दिया हुआ है, 5 का स्क्वायर. क्यू आर आपको फाइंड आउट करना है, जबकि पी आर की वैल्यू कितनी आपने लिखी यहाँ पे, 25 माइनस क्यू आर होल स्क्वायर. 5 स्क्वायर 25, क्यू आर स्क्वायर का क्यू आर स्क्वायर, यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. 25 का स्क्वायर 625, ओके 250 क्यू आर एंड देन क्यू आर स्क्वायर. ओके सो क्यू आर स्क्वायर सामने चला जाएगा, तो क्यू आर स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके, कट हो जाएंगे. राइट सो लेट्स माइनस 50 क्यू आर को अपने उठा के बाजू लेकर आएंगे, तो 50 क्यू आर इज इक्वल टू 625 माइनस 25. देन 50 क्यू आर इज इक्वल टू 600 एंड देन क्यू आर इज इक्वल टू 600 अपॉन 50. 00 कट 12 फाइव 60. देन क्यू आर की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, 12. क्यू आर की वैल्यू 12 मिल गई, 12 सेंटीमीटर. देन पी आर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर. 25 माइनस 12 इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर. ओके यहाँ तक का क्लियर. आपको अभी फाइंड क्या करना है, साइन पी की वैल्यू. साइन पी यहाँ पे लिख दो, क्यू आर कितना दिए, पी आर आपको मिला है 13 और ये मिल गया आपको 12, करेक्ट. सो दैट्स साइन पी इज इक्वल टू ओपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो क्यू आर अपॉन पी आर. सो क्यू आर की वैल्यू कितनी है आपके पास, 12 अपॉन 13, क्लियर. नेक्स्ट कॉस पी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, कॉस पी, पी एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, तो क्यू पी मतलब पी क्यू अपॉन पी आर. ओके कितना है, 5 अपॉन 13. एंड देन नेक्स्ट एंड लास्ट फाइंड करेंगे टेन, टेन पी इज इक्वल टू ओपोजिट अपॉन एडजेसेंट मीन्स आर क्यू अपॉन पी क्यू. ओके चलो आर क्यू अपॉन पी क्यू कितना आएगा, 12 अपॉन 5, राइट. सो नेक्स्ट एंड लास्ट एक्सरसाइज की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की. तो यहाँ पे क्या दिया, स्टेट द वेदर द फॉलोइंग सच अ ट्रू या फॉल्स. आपको यही वैल्यू फाइंड आउट करके बतानी है, द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1. सो ये वैल्यू राइट नहीं है, राइट. अगर मैं यहाँ पे लिखूं एग्जाम्पल नंबर 11 में फर्स्ट वाला, तो क्या आएगा, तो आपको इसका जस्टिफाई आंसर देना है, द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1. सो ये वैल्यू क्या मिलेगी आपको, फॉल्स. क्यों, क्योंकि हर बार वैल्यू, बिकॉज द 10a रेशियो अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड. क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. अपोजिट साइड कैन कभी कभार बिगर हो जाता है, ग्रेटर हो जाता है. सो दैट टाइम्स इज अ इक्वल या तो सिमिलर होगा एडजेसेंट साइड से, करेक्ट. नेक्स्ट बात करेंगे सेकंड, सेक ए इज इक्वल टू 12 अपॉन 5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए. सो ये वैल्यू आपको क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा. ट्रू का जस्टिफाई ट्रू, बिकॉज द हाइपोटेनस इज लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल्स, करेक्ट. हाइपोटेनस आता है ना सेक ए, 12 अपॉन 5 मतलब सेक किसका ऑपोजिट है, कॉस का, राइट. हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट मतलब ये ज्यादा है, करेक्ट. नेक्स्ट थर्ड की बात करेंगे, कॉस ए इज इक्वल टू, सॉरी रीड करते हैं, कॉस ए इज द एब्रीवेटिव यूज टू कॉन्सेंट ऑफ एंगल ए. सो ये स्टेटमेंट क्या मिलेगा आपको, फॉल्स. अभी क्यों फॉल्स मिलेगा, क्योंकि कॉस ए इज द एब्रीवेटिव यूज द कोसाइन. क्या भी लिखा जाता है, कोसेक्ट नहीं लिखा जाता, कोसाइन लिखा जाता है, करेक्ट, ऑफ एंगल ए. नेक्स्ट कोट ए इज प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए. सो दैट्स ये वैल्यू क्या मिलेगी आपको, फॉल्स मिलेगी, क्योंकि कॉट ए की वैल्यू सेम ही होती है, ए की होती है, दोनों वैल्यू अलग अलग मिल नहीं पाएगी, कि कॉट ए अलग, कॉट राइट, कॉट अलग और ए की वैल्यू अलग, ऐसा नहीं मिलेगा, करेक्ट.
नेक्स्ट एंड लास्ट फाइव नंबर की बात करेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। सो एंगल थीटा यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, फॉल्स मिलेगा, क्यों? क्योंकि साइन इन द रेशियो ऑफ ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस साइड। सो राइट एंगल हाइपोटेनस इज अ लॉन्गेस्ट साइड, सो दैट वैल्यू इज एक्सीड 1। क्लियर यहाँ तक का? ओके, द नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे कि भाई अभी वैल्यूज टेबल, कि ये टेबल आप किस तरह रिमाइंड करोगे, क्योंकि ये टेबल से मोस्टली सारे आंसर मिलेंगे आपको। चलो मैं आपको ये टेबल किस तरह सॉल्व किया जाता है उसके बारे में बताता हूँ। टोटल वैल्यू अपने पास कितनी है? 6 वैल्यूज है, राइट? तो यहाँ पे सबसे पहले लिख दो 0, 30, 45, 60 एंड 90। ओके, ये 5 की वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी है। चलो नेक्स्ट बात करेंगे कि भाई एंगल यहाँ पे आएगा आपके ए, कोई भी एंगल्स आ जाएगा। मैं लिखता हूँ साइन ए, करेक्ट? यहाँ पे लिखूंगा कॉस ए, फिर साइन कॉस टेन ए, टेन ए के बाद क्या मिलेगा आपको? कॉसेक ए, कॉसेक ए के बाद क्या मिलेगा आपको? सेक ए, सेक ए के बाद लास्ट आएगा आपका कॉट ए। ओके, आपको वैल्यू पूरा टेबल आपको रिमाइंड करना है, क्योंकि एग्जाम में ए वन या टू मार्क्स में यही टेबल में से आता है। वैल्यू किस तरह याद रखेंगे, करेक्ट? लेट्स साइन ए की वैल्यू यहाँ जिस तरह याद रखोगे उसी तरह याद रखोगे तो बहुत इजी रहेगा। जीरो, जीरो से नेक्स्ट नंबर क्या आता है? जीरो के ऊपर वाला नंबर 1, तो यहाँ पर लिख दो 90 का 1, बाकी की वैल्यू दोनों के बीच में आ जाएगी। 0, 1, 1 का हाफ क्या आएगा? 1/2। ओके, ये 1/2 को क्या कर दो, टोपी दे दो, तो 1 का रूट तो 1 हो जाएगा, और इसको टोपी दे दो तो 1/√2। सिर्फ एक वैल्यू आपको रिमाइंड करनी है रूट साइन 60 की, √3/2। अगर ये लाइन आपको प्रॉपरली याद हो जाएगी तो बाकी की वैल्यू आप डायरेक्टली आप लिख सकते हो, करेक्ट? लेट्स साइन का ऑपोजिट आता है कॉसेक, ऑपोजिट करना है साइन का, करेक्ट? साइन एक से पहले कॉसेक से पहले अपने कॉसेक फाइंड आउट कर लेते हैं। किस तरह करेंगे? तो यार जो ये आपने लाइन लिखी ना, ये जो लाइन लिखी है ना उसका ऑपोजिट जाने दो, यहां से पहले यहां पे 1 आने दो, फिर ये लिख दो √3/2, फिर सेम 1/√2, फिर ये यहां पे चला जाएगा 1/2 और यहां पे चला जाएगा 0, करेक्ट? आपको दो लाइनें याद रह गई। ओके, देन आपको क्या करना है, टेन की वैल्यू, टेन किस तरह याद रखना है? साइन अपॉन कॉस। ओके, साइन अपॉन कॉस, 0/1, तो आंसर क्या मिलेगा? 0, 1/2 √3/2, तो 2/2 कट हो जाएगा, तो 1/√3। ओके, 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2 कट, आंसर आएगा 1, ये डिवाइडेड बाय ये करना है आपको, √3/2/1/2 को, तो 2/2 क्या हो जाएगा? कट, तो √3/1, लेकिन 1 की कोई वैल्यू होती नहीं इसलिए अपन 1 की वैल्यू लिखते नहीं है। 1/0, अगर कोई भी नंबर को अपने 0 से डिवाइडेड करते हैं सो इट नॉट डिफाइन, ओके, नॉट डिफाइनेट आएगा, करेक्ट? नॉट आई डेफिनेट, अपने आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते नहीं है। चलो अभी क्या करना है, साइन कॉस टेन की वैल्यू आ गई, अभी आपको लेना है कॉसेक सेक और कॉट की वैल्यू। तो कॉसेक किस तरह फाइंड आउट करेंगे? तो कॉसेक साइन का ऑपोजिट, तो उसका ऑपोजिट करो तो क्या मिलेगा? 1/0, तो 1/0 तो अभी अपने लिखा था नॉट एप्लीकेबल, नॉट डिफाइनेट, अपने वो वैल्यू कभी आती ही नहीं है। ऑपोजिट करो, 1/2 का ऑपोजिट क्या आएगा? 2/1, तो 2, 1/√2 का ऑपोजिट करो तो √2/1, लेकिन 1 की डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं है डिनोमिनेटर में 1 की, तो सिर्फ √2, √3/2 का ऑपोजिट करो तो 2/√3, और 1 का ऑपोजिट करो तो 1/1, तो आंसर मिलेगा आपका सिर्फ और सिर्फ 1। आप चाहो तो ये यहाँ से कंटिन्यू ऑपोजिट लिख सकते हो, यही आंसर मिलेगा 1, 2/√3, √2, फिर ये 2 और ये नॉट डेफिनेट, करेक्ट? यहाँ तक का। नेक्स्ट एंड लास्ट कॉट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, 10 का ऑपोजिट, 10 का ऑपोजिट क्या आएगा? कॉट, करेक्ट? 0/1, तो नॉट डेफिनाइट। 1/√3 का ऑपोजिट करो, रेसिप्रोकल कर दो तो √3, 1 का ऑपोजिट 1, √3 का ऑपोजिट 1/√3, एंड देन लास्ट
नॉट अप्लीकेबल का क्या जाएगा, जीरो। तो ये रहा आपका टेबल। सो इसमें से बहुत सारे सम्स आपको पूछे जाएंगे, बहुत सारी वैल्यूज इसमें से निकलेंगी, करेक्ट। तो आपको इस टाइप के सम आपको आने चाहिए, बहुत इजी सम्स है और बहुत आप इजीली आप फाइंड आउट करोगे। सिर्फ आपको ये टेबल रिमाइंड करना है, अच्छी तरह लर्न कर लेना है, क्योंकि एग्जाम में ये टेबल बहुत बार आएगा, करेक्ट। इसमें से कोई भी वैल्यू पूछेंगे, कॉसेक 60 प्लस साइन 60, तो आप दोनों का प्लस करना होगा। तो इस टाइप के सम्स आपको पूछ सकते हैं, करेक्ट। या तो बुक्स के या तो आउट ऑफ बुक्स के भी आपको क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं। सो आज के सेशन के लिए यहाँ तक का रखेंगे, बाकी का जो भी होगा वो अपने नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे, क्लियर। सो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को।